न्यायों की पुस्तक अध्याय 20, न्यायों की पुस्तक अध्याय 20। तब दान से लेकर बर्शेबा तक के सब इसराइली और गिलात के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई, और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इसराइली गोत्रों के लोग जो 400,000 तलवार चलाने वाले पैदे थे परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। बिन्यामिनियों ने तो सुना कि इसराइली मिस्पा को आए हैं, और इसराइली पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसे हुई। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी सुरैतिन समेत बिन्यामिन के गिबा में टिकने को गया था। तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा, और मेरी सुरैतिन से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी सुरैतिन को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इसराइलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इसराइल में महापाप और मूढ़ता का पाप किया है। सुनो हे इसराइलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गिबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे, और हम सब इसराइली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1,000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1,000 पुरुषों को ठहराएंगे कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाए, इसलिए कि हम बिन्यामिन के गिबा में पहुंचकर उसको उस मूर्ता का पूरा फल भुगता सके जो उन्होंने इसराइल में की है। तब सब इसराइली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की नाई जुटे हुए इकट्ठे हो गए, और इसराइली गोत्रियों ने बिन्यामिन के सारे गोत्रियों में कितने पुरुष यह पूछने को भेजे कि यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इसराइल में से बुराई नष्ट करें। परंतु बिन्यामिनियों ने अपने भाई इसराइलियों की मानने से इनकार किया, और बिन्यामिनी अपने अपने नगर में आकर गिबा में इसलिए इकट्ठे हुए कि इसराइलियों से लड़ने को निकले, और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़ जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, और नगर से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामिनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बेहत्ते चुने हुए पुरुष थे जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल पर भी न चुकते थे, और बिन्यामिनियों को छोड़ इसराइली पुरुष 400,000 तलवार चलाने वाले थे, ये सब के सब योद्धा थे। तब इसराइली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली, और इसराइलियों ने पूछा कि हम में से कौन बिन्यामिनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इसराइलियों ने बिहान को उठकर गिबा के सामने डेरे डाले, और इसराइली पुरुष बिन्यामिनियों से लड़ने को निकल गए, और इसराइली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामिनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इसराइली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तभी इसराइली पुरुष लोगों ने हियाव बांधकर उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पांति बांधी थी फिर पांति बांधी, और इसराइली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे, और यह कहकर यहोवा से पूछा कि क्या हम अपने भाई बिन्यामिनियों से लड़ने को फिर पास जाए। यहोवा ने कहा, हां उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इसराइली बिन्यामिनियों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामिनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इसराइली पुरुषों को मार के जो सबके सब तलवार चलाने वाले थे मिट्टी में मिला दिया। तब सब इसराइली बरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढ़ाया।
और इसराइलियों ने यहोवा से सलाह ली, उस समय तो परमेश्वर का वाचा का संदूक वही था और पिनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या मैं एक और बार अपने भाई बिन्यामिनियों से लड़ने को निकल जाओ व उसको छोड़ू? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इसराइलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। तीसरे दिन इसराइलियों ने बिन्यामिनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले की नाई गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामिनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए, और जो दो सड़क एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई है उनमें लोगों को पहले की नाई मारने लगे, और मैदान में कोई 30 इसराइली मारे गए। बिन्यामिनी कहने लगे, वे पहले की नाई हमसे मारे जाते हैं। परंतु इसराइलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। तब सब इसराइली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बाल तामार में पांति बांधी, और घात में बैठे हुए इसराइली अपने स्थान से अर्थात मारे गेवा से अचानक निकले। तब सब इसराइलियों में से छाटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी, परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ा चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामिनियों को इसराइल से हरवा दिया, और उस दिन इसराइलियों ने 25,100 बिन्यामिनी पुरुषों को नाश किया जो सबके सब तलवार चलाने वाले थे। तब बिन्यामिनियों ने देखा कि हम हार गए, और इसराइली पुरुष उन घातों का भरोसा करके जिन्हें उन्होंने गिबा के पास बैठाया था बिन्यामिनियों के सामने से चले गए, परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए और घातकों ने आगे बढ़कर कूल नगर को तलवार से मारा। इसराइली पुरुषों और घातकों के बीच तो यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाए, इसलिए इसराइली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामिनियों ने यह देखकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई की नाई हमसे हारे जाते हैं, इसराइलियों को मार डालने लगे और 30 पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा तब बिन्यामिनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इसराइली पुरुष घूमे और बिन्यामिनी पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है, इसलिए उन्होंने इसराइली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया, परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही और जो नगरों में से आए थे उनको इसराइली रास्ते में नाश करते गए। उन्होंने बिन्यामिनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मनुहा में परन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए, और बिन्यामिनियों में से 18,000 पुरुष जो सबके सब शूरवीर थे मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन नाम पहाड़ी की ओर तो भाग गए, परंतु इसराइलियों ने उनमें से 5,000 को बीनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोन तक उनके पीछे पड़के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामिनियों में से जो उस दिन मारे गए थे वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और ये सब शूरवीर थे, परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन नाम पहाड़ की चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने वहीं रहे। तब इसराइली पुरुष लौटकर बिन्यामिनियों पर लपके और नगरों में क्या पुरुष क्या पशु क्या जो कुछ मिला सबको तलवार से नाश कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया।